हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट पप्पू कुमार अभी आप लोगों को हमेशा जागरूक करते रहना चाहते हैं और हमेशा कुछ न कुछ बात बताते रहते हैं। जब भी कोई टेक्निकल चीज़ आती है तो हम सोचते हैं वीडियो बना करके आप लोगों को शेयर करें, और आज ऐसे ही एक मुद्दा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हम वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। कई बार सोचते हैं वीडियो बनाएंगे और टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए हम बना नहीं पाते अभी कोर्ट कैंपस में ही। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभी एक मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए क्लाइंट्स आए थे और उनकी शादी जो है 17 वर्ष की लड़की से हो गई थी और पिछले 3 साल शादी के हो चुके हैं, लेकिन आज उनको एक जॉब में यानी कि डिफेंस की सर्विस लगी है, उसमें उनको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था। जिसमें सबसे बड़ी समस्या आ रहा है कि जिस समय वह शादी की है लड़की की उम्र जो है 17 वर्ष ही था, जो मैरिज जो है अवैध है, मतलब लीगल मैरिज, वैध मैरिज उसको बोलते हैं, जिसमें लड़का और लड़की का एज जो है पूरा हो चुका है यानी कि बालिक हो चुकी है। अगर 18 से कम वर्ष की लड़कियां हैं तो नाबालिग है, और ऐसे में जब शादी करते हैं अरेंज मैरिज तो भी हुआ जो है वैध नहीं कहलाता है, अवैध ही शादी कहलाता है। और ऐसे में अभी जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनाने में एक सबसे बड़ी बाधा आ रहा है कि वह व्यक्ति 17 वर्ष के लड़की से कैसे शादी कर लिया, जो कि कानून के नज़र में लीगल मैरिज है नहीं, वह तो अवैध है। अब समस्या ये आता है कि जहाँ पर वह सर्विस करेंगे वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट देना है और उनके एक बच्चा भी है। अगर मैं चाहूँ कि अगर बच्चे को इग्नोर कर दे तो ये तो संभव है नहीं, पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर मैं लड़कियाँ का डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो सर्टिफिकेट है उसको हम चेंज करना चाहें या फिर उसको बढ़ा करके मैरिज सर्टिफिकेट बनाएँ तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कहीं ना कहीं से यह जो है मैरिज ही लीगल नहीं बता रहा है और बहुत ही टेक्निकल चीज़ है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब ये अलग बात है कि उनकी नौकरी नहीं रुकने देंगे, उनके बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हो सकता है इट में भी कि अगर उनकी वेरिफिकेशन हो, अगर यह साक्ष्य में पाया जाता है कि वह नाबालिग लड़की से शादी किए हैं तो समझिए कि उनके लिए एक समस्या आ सकता है। तो कहना यही चीज़ है कि जब भी आप मैरिज करते हैं, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, कभी भी तो बालिक लड़की से ही करें और कम से कम उसकी 18 वर्ष उम्र हो गया हो। अगर 18 से कम है, अगर इन केस अगर ऐसे परिस्थिति में अगर आप अरेंज मैरिज भी करते हैं तो वह लीगल मैरिज नहीं होता है, वह अवैध शादी होता है और वह कहीं ना कहीं आपको सर्विस में कहीं किसी कार्य में आपको बाधा उत्पन्न करेंगे, जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें आप उलझ जाएंगे। तो आप कानूनी प्रक्रिया में न उलझे, और हर जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे भी आग्रह है कि आपकी बेटी यानी कि पुत्री जब तक 18 वर्ष की नहीं हो जाती है, बालिक नहीं हो जाती है, तब तक उसका शादी कहीं ना करें। नाबालिग परिस्थिति में अगर शादी करते हैं तो कल हो करके जब उसके हस्बैंड के यानी आपके दामाद के अगर कहीं जॉब लगता है, सर्विस लगता है, मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है तो उसमें समस्या आ जाएंगे। तो अपने बच्चे को बालिक होने दें। अभी तो हम कहेंगे कि कम से कम लड़का हो या लड़की हो 21 साल के हो जाए तभी उसका शादी करें। उससे पहले अगर आप शादी कर रहे हैं तो उसके सपनों को, उसके ज़िंदगी को आप जो है कैद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और एडवोकेट पप्पू कुमार पर बने रहिए, ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे जानकारियाँ देते रहूँगा। धन्यवाद।